तो देखिए, जिस मिठाई के साथ हम और आप दीपावली की खुशियां बांटते हैं, क्या वो मिठाई अब जहर बनकर घर घर पहुंच रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश के कई शहरों से खाद्य विभाग और पुलिस की छापेमारी की खबर आई है। इन छापेमारी में ऐसे कई फैक्ट्री और गोदामों का पर्दाफाश हुआ है जहां कई दिनों से मिलावटी मावा, पनीर से लेकर नकली मिठाई तक तैयार की जा रही थी। और यही नहीं, ऐसी जहरीली मिठाइयों को बाजार तक पहुंचाने के लिए पूरा सप्लाई चेन भी काम कर रहा था। लेकिन कैसे, कौन है वो लोग जो दीपावली में मिलावटी मिठाई का बाजार सजाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मिठाई के मुजरिम कौन है। दिवाली का सबसे बड़ा डर शहर शहर बिकने लगा सहर। मिलावट का खुल्लम खुल्ला खेल। धंधेबाजों के आगे सिस्टम फेल। न धंधे का तरीका बदला है, न जहर बेचने का फॉर्मूला। मिलावटखोरों के लिए आया है बड़ा मौका। मिठाई के नाम पर फिर वही धोखा। लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले हो या फिर काजू कतले, दिवाली आते ही दुकानें इन मिठाइयों से सज जाती हैं, नई दुकानें खुल जाती हैं। लेकिन पब्लिक की भारी डिमांड के बाद भी मिठाइयां कम नहीं पड़ती, क्योंकि मिलावटखोरों की फैक्ट्री में मिठाइयों का अनलिमिटेड इंतजाम है। जहां मिलावटी छेना मावा से लेकर बेसन तक मिठाई के हर नकली सामान का गोदाम भरा पड़ा है। सिर्फ मिठाई नहीं, दिवाली पर खाने पीने के दूसरे सामानों पर भी मिलावट का ऐसा रंग चढ़ा है कि आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। शुरुआत करते हैं पनीर से। खेत में पाइप से दूध बहता देख कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन बात हैरानी की नहीं है। हकीकत यह है कि दूध की सफेदी के पीछे काले धंधे का बड़ा कारोबार छुपा है और ये धंधा पनीर का है। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पनीर बनाने वाला एक प्लांट का ही भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में इस प्लांट से 735 किलो मिलावटी पनीर और केमिकल वाले करीब 4000 लीटर दूध को बरामद किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लगभग 735 किलो नकली पनीर व 4000 लीटर से अधिक नकली दूध बरामद किया है, जिसको खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नष्ट करा दिया है। पता चला है कि यहां कई महीनों से नकली पनीर का धंधा चल रहा था और इस पनीर की सप्लाई नोएडा और दिल्ली में की जाती थी। के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। छापेमारी में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। पनीर में भी अलग तरह की दुर्गंध है और वो आम पनीर नहीं है जो हम लोग मार्केट में या जो हम देसी पनीर जो खाते हैं उससे काफ़ी भिन्न है। अब सवाल है कि नकली पनीर बनता कैसे था? मौके पर जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसमें बड़ा केमिकल लोचा है, क्योंकि ये पनीर जिस दूध से तैयार किया गया है वो दूध ही कई तरह के केमिकल से बना है, जिसमें सोया पाउडर, रिफाइंड ऑयल, वाइटनर, झाग वाले वॉशिंग फैब्रिक के अलावा कुछ और केमिकल मिलाए गए हैं। और इस जहरीले दूध से ही तैयार किया गया नकली पनीर जो दिखता बिल्कुल असली है। पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे
उसके यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं, साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं, इनको लैब भेजा जा रहा है जाँच के लिए। दिवाली पर मिलावटी धंधे में बम्पर तेजी रहती है और इसकी हिट लिस्ट में सबसे पहला नंबर मावे का है। मिलावटी मावा कैसे नकली मिठाइयों का मुखिया बन चुका है, अब ये देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं। यहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने एक मशहूर मिठाई की दुकान के गोदाम पर छापेमारी की और जांच में जो कुछ नजर आया वो आप भी देखिए। जिस गोदाम में दिवाली की मिठाई तैयार की जा रही थी वो मिलावटी मावे से अटा पड़ा था। छापेमारी में यहां करीब 250 किलोग्राम मिलावटी मावा बरामद किया गया। राजस्थान सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना शुद्ध और मिलावट पर वार अभियान के तहत भीनमाल शहर में श्री गोपाल मिष्ठान भंडार से मावे के दो सैंपल लिए गए हैं और दूषित जो मावा था 240 किलो मावा प्रथम दृष्टया उसको चखने पे और सूंघने पे थोड़ी बदबू आ रही थी और ख़राब मावा था, उसको हाथों मौके पे ही नष्ट करवाया गया। जिस मिलावटी मावे से बनी मिठाई हजारों लोगों तक पहले ही पहुंच चुकी थी, अब उसी मावे को मिट्टी में दफन किया जा रहा था। इसके लिए खासतौर पर क्रेन बुलाई गई। मिलावटी मावे की एक खेप ग्वालियर में भी पकड़ी गई। यहां छापेमारी में पुलिस को ऐसी कई भट्टियां मिली जहां मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था, लेकिन बरामदगी सिर्फ 100 किलो मावे की हुई। मिलावटखोरों के गोदाम में जिस तरह का मावा तैयार होता है वो किसी को अस्पताल तक पहुंचा सकता है। इस मावे को बनाने के लिए सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल होता है। इसमें टेलकम पाउडर, चूना, चौक, सफेद केमिकल्स तक मिलाया जाता है। मिलावटी मावे में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा मिलाया जाता है। मावे का वजन बढ़ाने के लिए आलू और स्टार्च भी मिलाया जाता है। वो जो पाउडर है वो चौक का पाउडर भी हो सकता है, वो पाउडर्ड मिल्क भी हो सकता है। अगर वो पाउडर्ड मिल्क है, अगेन वो किस कंसिस्टेंसी, कितनी क्वांटिटी में एडेड है तो वो मिठाई के टेक्सचर को चेंज कर देगा। बट अगर वो चौक पाउडर है तो वो हमारे लिवर को अफेक्ट करेगा, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि हमारे पेट की, हमारे आंतों को इम्पैक्ट करेगा, जो कि किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं। मावा अगर मिलावटी हो मिठाई भी नकली ही बनेगी। यूपी के कन्नौज में खाद्य विभाग की टीम ने 29 क्विंटल नकली मिठाई जब्त की। इन मिठाइयों को शहर की दुकानों पर भेजा जाना था। ऐसे ट्रे में मिठाई बना के रखा हुआ है जो अनुमानित 30 क्विंटल के आसपास होगा। बनने के लिए इनपुट इनका रखा हुआ जैसे चीनी मिल्क पाउडर है, रवा है और आपका स्टार्च है, रिफाइंड है, इसको हम नमूना लेके इसको भी सीज कर रहे हैं। मिलावटखोर बेखौफ हैं, त्योहारों में तो उन्हें पुलिस प्रशासन की परवाह नहीं होती। गोरखपुर में जब एक मिठाई गोदाम पर छापेमारी हुई तो सामने आई ये तस्वीर। खाद्य विभाग ने यहां से 25 क्विंटल ऐसी मिठाइयां बरामद की जो एक्सपायरी हो चुकी थी। इन मिठाइयों में बर्फी और मिल्क केक ही ज्यादा था। इन्हें दिवाली के मौके पर नए डिब्बों में भरा जाना था। मिठाई की निर्माण इकाई है, इसमें छापा मारा गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो
वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज्यादा है। और अब रसगुल्लों से भरे इन कनस्तरों को देखिए। ये रसगुल्ले असल में मिलाव के दूध और मावे के बाय प्रोडक्ट हैं। बागपत की एक दुकान पर जब छापेमारी हुई तो यहाँ करीब 2 क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद हुए। खाद्य विभाग ने बिना देरी किए इन रसगुल्लों को मिट्टी में दफन किया, साथ ही मिलावटी मावे की एक बड़ी खेप को भी फेंका गया। मौका मुआयना पे करीब 500 किलो दूषित मिठाई मिली, जिसको हमने हाथों हाथ सैंपल लेके नष्ट करवाया है यहाँ पे। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के कोटपुतली बर्रोड से आई है। यहाँ खाद्य विभाग ने करीब 5 क्विंटल रसगुल्लों को गड्ढे के हवाले कर दिया। खोया में जो अडल्ट्रेंट्स यूज करे जाते हैं, सबसे कॉमन हार्मफुल इफेक्ट किसी भी अडल्ट्रेंट का सीधा हमारे पेट पर होता है। ABP News आपको रखे आगे।